उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती से व्हाट्सएप पर चैटिंग करना युवक के लिए उस वक्त भारी पड़ गया जब युवती के परिजनों को पता चल गया, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ उसके हाथ पैर बांधते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस पूरी घटना का एक ग्रामीण ने वीडियो बना वायरल कर दिया। मामला मेरठ के थाना खकरौदा क्षेत्र के अतराड़ा गांव का है। बताया जा रहा है कि विशाल नामक एक युवक मेरठ में अपनी नानी के यहां आया हुआ था। वहीं हापुड़ की रहने वाली एक युवती के मामा भी यहां रहते हैं। विशाल और युवती के बीच यही बातचीत हुई और वो व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगे। इसकी भनक युवती के परिजनों को लग गई और उन्होंने विशाल को पकड़ उसके हाथ पैर बांधते हुए सबके सामने जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस ने विशाल की शिकायत पर युवती के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। ये थाना खकरौदा के अतराड़ा में कल एक युवक विशाल के साथ मारपीट की घटना हुई है। इसमें मामला यह है कि विशाल की ननिहाल अतराड़ा में है और उसका एक लड़की से व्हाट्सएप चैटिंग होती थी। उस लड़की की जो हापुड़ की रहने वाली उसका भी ननिहाल अतराड़ा में है। लड़की अपने मामा के आई हुई थी तो इसको जब पता लगा तो ये भी वहां पहुंच गया गांव में और इसकी भनक लड़की के पिता को लग गई। लड़की का पिता आया और लड़की के मामा के लड़के ने इसको घर में बंद करके विशाल के साथ मारपीट की और इस संबंध में विशाल ने तहरीर थाने पे दी, जिसमें लड़की के पिता और उसके मामा के लड़के के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया है। और कुल मिला के ये लड़के लड़की का आपस में व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी, प्रेम प्रसंग का मामला था। घर वालों को जैसे ही पता लगा लड़की घर वालों थे उसी को लेकर इन्होंने मारपिटाई की।